हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुतुफा आपके साथ। तो मैं आज हिंदी में ब्लॉग बनाने वाली हूँ। अभी मैं उठ गई हूँ, 8 बजे उठ गई हूँ, अभी बज रहे 9। तो अभी मैं क्या किया, सुबह उठकर अभी थोड़ा घर क्लीन किया, मतलब थोड़ा ही किया हूँ क्योंकि अभी ऊपर में बहुत मतलब ये हुआ है, साफ़ करना है। तो अभी शोम भी उठ गया, शोम अभी उठकर इधर बैठा है। तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं अभी साफ़ किया, मैं खुद फ्रेश होकर आई हूँ और अभी मैं चाय पीना है मुझे। मैं अभी चाय मतलब मेरे सासू माँ को दे दी हूँ। मैं अभी क्या करने लगी, अभी मैं खाऊँगी और इसको फोन का भी दूध बनाऊँगी, वो भी दूध पीना है उसको। और उसको अभी ब्रश भी करना है, वो अभी ब्रश नहीं किया है। अभी 9 बजे, 9:15 बजे ऐसे उठा है। तो अभी मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ और उसके बाद आपके साथ मिलती हूँ। मैं थोड़ा घर सफाई करना है आज मुझे, तो चलते हैं सफाई। गंदा हो गया तो चलते चाय पी लेते जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी काम खत्म करने में अच्छा लगता है, थोड़ा खुद को टाइम देने का टाइम मिलता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम सुबह कर लेते। तो चलिए पी लेते चाय। और मैं देख वाली में जब ब्लॉग करते तब भी बोले थे, अभी बोल रहे कि हम मतलब कुछ खाते टाइम बर्बाद नहीं करते, तो इसलिए चलिए हम अभी चाय पी लेते।
हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो अभी थोड़ा चाय बनाने वाली हुई है। और अभी तो ये मेरा आज थोड़ा सा सब्जी लिया था मैंने, तो सब्जी को क्या किया मैं, वो विनीगर होता है ना, विनीगर ऐसे हाफ कप विनीगर देकर थोड़ा सा पानी में 10 मिनट के लिए रख दिया है। और वेजिटेबल वॉश भी अभी निकल गया है ऑनलाइन में, वो भी अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या किया, वो विनीगर से ऐसे ही रखी हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे वो ये सब मैं अभी उठा कर सुखा लूँगी, फिर फ्रिज में डालूँगी, तो आपको दिखा देती हूँ कैसे मैं किया। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ही सब्जी लिया था, ज़्यादा सब्जी नहीं ली हूँ मैं, तो ये सबको मैं भिगो के रख दी हूँ। और ये अभी धोकर मैं इधर सुखाने के लिए रख दूँगी। सुखाने के लिए मैं रख देती हूँ। अभी मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। तो मैं अभी क्या किया, शाम को अभी इवनिंग में थोड़ा सा स्टडी के लिए बैठा था, तो उसको थोड़ा हैंड वर्किंग का काम था उसका स्कूल का, तो वही थोड़ा मतलब बना कर दिया उसको, वो तो बहुत हैप्पी है। तो अभी मैं अभी बैठा हूँ टीवी देखने के लिए बैठी हूँ, तो मतलब बैठकर ऐसे सीरियल वगैरह देख रही हूँ। और मम्मी उधर कर रही है, मेरी मम्मी उधर रोटी बना रही है और मटर आलू की सब्जी बनाई है। तो अभी वो जो शोम का डिनर हो गया और मेरे सासू माँ का भी डिनर हो गया। मेरे सासू माँ का थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए वो मूढ़ी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो मूढ़ी के साथ वो मटर का सब्जी लिया था, थोड़ा सा वो खा लिया। और मेरे शोम ने खाया वो दूध देकर, वो उसके साथ दूध के साथ चावल थोड़ा मिलाकर ऐसे मतलब खीर के जैसे वो खिला दिया उसको, उसका भी हो गया खाना। तो अभी वो मटर के सब्जी खा रहे, उसका बहुत पसंद है मटर का सब्जी। तो हाँ, मैं थोड़ा सा वो रोटी देकर मटर का सब्जी खाऊंगी और मेरी मम्मी खाएगी, थोड़ा सा चावल है वो चावल के साथ खाएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि शोम को मैं क्या बनाकर दी हूँ। उसका स्कूल का वर्क है, स्कूल में अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जूम क्लासेस चल रहा है, तो वही मैं शोम तुम्हारा वही बोले देखा, वो जो डार्क एंड कैमरा, वो जो मैं बनाकर दी हूँ वो पढ़ता है यूरोकिड स्कूल पे पढ़ता है, तो उसमें से ही उसका जो किट देता है स्कूल से, वो स्कूल से ही किट दे देता है, उसको जस्ट बनाकर देना पड़ता है। अगर स्कूल चलता तो स्कूल में वो मैम उन लोगों ने ही बनाकर देती थी, तो अभी घर में है इसलिए घर में मैं ही बनाकर दिया, तो बहुत हैप्पी है, बहुत 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 ही हैप्पी है। तो आपको हम दिखाने वाले हैं मैं क्या क्या बनाकर दी हूँ, और शोम ही आपको दिखाएंगे। इसके पहले मैं बोली थी बंगाली ब्लॉग में, तो शोम मैं उसमें बोली थी कि शोम ही दिखाएंगे कि क्या क्या मैं बनाकर दी हूँ उसको, और वो बताएंगे क्या कौन सा मतलब चीज़ कौन सा है। पलोटा ए फॉर एट की एंड बी फॉर बटरफ्लाई अच्छा सी फॉर अच्छा बाप रे उसका बहुत ही फेवरेट है ये कैमरा। सी फॉर बोलो एट की बोलो वो क्या चीज़ है बोलो कैमरा बोलो और डी फॉर लास्ट में क्या है डी फॉर छोड़ दो वो छोड़ दो रख दो डी फॉर ये क्या है गुड डी फॉर डक। ये कल तक ये शोम नहीं बता सकते थे कि डी फॉर डक, अभी आज बोल रहे हैं, नहीं तो कल तक नहीं बता सकते थे कि डी फॉर डक, क्योंकि अभी तक वो बोलते थे कि डी फॉर डॉग डी फॉर ऐसी डॉल ऐसी उसको पता था।
तो आपने देखा ही होगा कि शोम कितना खुश है। वो मतलब जिस दिन से मैं ये सब बना रही हूँ उसका मतलब क्या है, इस यूरोकिड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए बहुत मतलब इससे क्या होता है, ए फॉर क्या है पता चल जाता है, क्योंकि आप वो खुद सामने से दिखता है तो इसलिए पता चल जाता है कि कौन से ए फॉर क्या बोलता है, बी फॉर क्या बोलता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो मैं शोम बहुत ही हैप्पी है, तो वो हैप्पी होता है तो मैं भी हैप्पी हो जाती हूँ। तो अभी क्या करने वाली हूँ, अभी 10 बज रहा है तो अभी हम लोग, मैं और मम्मी डिनर करने जाऊँगी, अभी डिनर करना है हम मुझे मतलब। तो चलिए अभी डिनर करने के बाद आपके साथ मिलते हैं। तो ये है मटर की सब्जी जो मेरे मम्मी ने बनाई है, और ये है रोटी। अभी डिनर तैयार करते हैं, तो अभी मेरा डिनर तैयार है, डिनर करने के बाद आपके साथ मिलते हैं। हम लोगों का डिनर अभी कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी शोम का पापा से बात कर रही थी ऐसे वीडियो कॉल में। उसका पापा तो मार्च में चला गया, उड़ीसा में है, तो अभी आने का कुछ प्लान ही नहीं है, क्योंकि अभी फिर से आज हम सामने दुकान पर गया था तो सुन रहे थे कि इधर का सब बेलघरिया में सब इधर का जो बाजार सब है सब सील हो गया, तो अभी मतलब सील हो गया तो कल से पूरा लॉकडाउन है, पूरा मतलब दुकान सब बंद रहेगा। तो वही सोच रहे हैं कि मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है, करोना कब जाएगा पता नहीं, तो इसलिए उसके पापा भी नहीं आ रहे हैं, मतलब सबका ही टेंशन है। और करोना मतलब सब ठीक हो रहा है, लेकिन लंग्स का मैं सुनी हूँ कि लंग्स और मतलब लंग्स का भी बहुत ही इफेक्ट हो रहा है, मतलब 50% खराब हो रहा है, तो इसलिए बहुत ही खराब बीमारी आ गया, क्या होगा पता नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, फिर से लाएंगे नया ब्लॉग लेकर, नया कुछ लेकर। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट, सब सेफ रहना, अच्छे से रहना।